गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के बारे में आज पढ़ेंगे। देखिए, कल मैंने थोड़ा बहुत आपको डिस्कस किया था, थोड़ा सा उसको रिपीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बात की थी, ठीक है। मैं आपको फटाफट बता देता हूं कि क्या ऑर्डर्ड पेयर होता है। ए कोमा बी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इसमें इसको बोलते हैं फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट एलिमेंट, और ये जो आपको नजर आ रहा है बी, ये बोला जाएगा सेकंड कंपोनेंट या सेकंड एलिमेंट। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। एक कंडीशन मैंने ये बताई थी, ए कोमा बी इज नॉट इक्वल टू बी कोमा ए। ये ध्यान रखना, ए कोमा बी और बी कोमा ए कभी भी बराबर नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, 1,2 इज नॉट इक्वल टू 2,1। ये ऑर्डर्ड पेयर के बारे में मैंने आपको समझाया। अब इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर भी देख लो। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, जैसे कि दो ऑर्डर्ड पेयर अगर बराबर हैं तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल होगा। इसका मतलब ए किसके इक्वल आएगा, एक्स के इक्वल। पहला एलिमेंट के इक्वल होगा, एंड जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट के इक्वल होगा। तो ये इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर मतलब दो एलिमेंट्स को आप इस ब्रैकेट में इस तरीके से लिखोगे कि पहला एलिमेंट ए है, दूसरा एलिमेंट बी है, या कंपोनेंट बोल सकते हो या इनको एलिमेंट बोल सकते हो। पहला एलिमेंट और पहला कंपोनेंट, या सेकंड एलिमेंट या सेकंड कंपोनेंट, दोनों ऑर्डर्ड पेयर जैसे 1,2 और 2,1 कभी भी बराबर नहीं होते, पहली बात। दूसरा, अगर आप इक्वालिटी करना चाहो और दो ऑर्डर्ड पेयर अगर आपने इक्वल कर दिए तो इसका मतलब ये हुआ कि ए एक्स के इक्वल आएगा और बी वाई के इक्वल आएगा। मतलब पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल। ये तो केवल ऑर्डर्ड पेयर की बात थी, ठीक है। अब ऑर्डर्ड पेयर के बाद, ये सारा ऑर्डर्ड पेयर आपके आगे लिखा हुआ है। अब ऑर्डर्ड पेयर के बाद हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। बस ये ध्यान रखना, 1,2 इज नॉट इक्वल टू 2,1। देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम फिर से एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा बहुत डिस्कस करके फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने अच्छे क्वेश्चंस पे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए और बी दो गिवन सेट हम लेके चलते हैं, ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स। अगर दो गिवन सेट आपके पास हैं तो ए क्रॉस बी ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। ए क्रॉस बी का मतलब ये होता है कि इसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे और पहला एलिमेंट पहले ऑर्डर्ड पेयर से आएगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आएगा। ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट से आएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आएगा। इसी तरीके से अगर मान लो आप बी क्रॉस ए लिखना चाहो तो अगर आप इसको ये लिखते हो एक्स कोमा वाई, तो देखो पहला एलिमेंट पहले सेट से आएगा, मतलब एक्स बिलोंग्स टू बी। दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आएगा, मतलब वाई बिलोंग्स टू ए। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं। मैं एक एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। कोई छोटा सा बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ए हमने लिया एक्स कोमा वाई, बी हमने लिया 1,2। ए लिया एक्स कोमा वाई, बी लिया 1,2। आप ए क्रॉस बी लिखना चाहते हैं, डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है। अगर आप ए क्रॉस बी लिखना चाहो तो जितने भी ऑर्डर पेयर्स आएंगे उसका पहला एलिमेंट पहले सेट से आएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आएगा। मतलब एक्स के साथ 1, फिर एक्स के साथ 2, फिर वाई के साथ 1 और फिर वाई के साथ 2। इसमें जितने भी ऑर्डर पेयर देखोगे सभी ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट ए से मिलेगा, दूसरा एलिमेंट बी से मिलेगा। इसी तरीके से अब कोई बच्चा अगर मान लो बी क्रॉस ए लिखना चाहे तो अब की बार पहला एलिमेंट बी से मिलेगा, तो अब ये लिखोगे 1x 1y, 2x 2y। जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर हैं मैंने सारे लिख दिए, ठीक है। और इसका जो भी ऑर्डर पेयर उसका पहला एलिमेंट बी से है, दूसरा एलिमेंट एक्स से है। देखो, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की डेफिनेशन होगी, ठीक है। अब आप देखो इसमें कितने ऑर्डर पेयर आए, 4। तो ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर कितना है आपके पास, 4।
अगर इसका देखें तो कार्डिनल नंबर ऑफ बी क्रॉस ए ये भी कितना नजर आया आपको, चार। अगर इसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल में बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द कार्डिनल नंबर ऑफ बी क्रॉस ए, दोनों में नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हमेशा बराबर आते हैं। अगर किन्हीं दो सेट्स में नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बराबर हो तो इसका मतलब ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर इक्विवेलेंट सेट्स। ये इक्विवेलेंट सेट्स कहलाते हैं। मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेट्स में पहले बताया था कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों में नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सेम आते हैं, इसलिए वो कैसे सेट्स हैं, इक्विवेलेंट सेट्स। बट अगर आप ध्यान दो इसमें, अगर आप देखें इसमें है एक्स कोमा वन और इसमें है वन कोमा एक्स। अगर आप दोनों को देखें एक्स कोमा वन इज नॉट इक्वल टू वन कोमा एक्स, ये तो हमने अभी पढ़ा है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो ये कंडीशन याद रखना, इक्वल नहीं है ये दो सेट्स, इक्वल नहीं होंगे लेकिन कैसे होंगे, इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। दोनों में नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर सेम होंगे लेकिन दोनों के ऑर्डर पेयर डिफरेंट होंगे, काउंटिंग सेम होगी। इसमें चार है तो इसमें भी चार है लेकिन दोनों में ऑर्डर पेयर अलग अलग है, इसमें वन कोमा एक्स है इसमें एक्स कोमा वन है, जबकि दोनों ऑर्डर पेयर अलग अलग होते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों अलग अलग चीजें हैं। ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो बी क्रॉस ए के कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन हाँ दोनों का कार्डिनल नंबर बराबर है इसलिए दोनों इक्विवेलेंट सेट्स हैं। ये इक्वल नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट सेट्स हैं। एक छोटी सी कंडीशन और बताता हूं फिर हम इसको आगे अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक छोटी सी कंडीशन मैंने आपको ये बताई थी कल भी, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं। एक चीज का ध्यान रखना, कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी हो चाहे कार्डिनल नंबर ऑफ बी क्रॉस ए, दोनों बराबर आ रहे हैं और दोनों ही हमेशा इसके इक्वल होते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ बी। आप इस एग्जांपल में भी चेक कर सकते हैं, यहां पे भी दो एलिमेंट, यहां पे भी दो एलिमेंट, दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर दो तो टोटल चार एलिमेंट आएंगे और चार ही ऑर्डर पेयर आपके पास आए हैं। तो आप इस कंडीशन को जरूर याद रखेंगे कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी क्रॉस ए और दिस इज इक्वल टू द कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ बी। इसके बाद में एक छोटा सा आपको यह बता देता हूं, एरो डायग्राम, इसी एग्जाम्पल का अगर एरो डायग्राम बनाऊ तो देखो एरो डायग्राम कैसे बनता है। एक सेट आपने ए लिया, एक सेट आपने बी लिया। मैं दोनों एरो डायग्राम आपको बना देता हूं। पहले मैं बनाता हूं ए क्रॉस बी का, ये ए ये बी, इधर आप बना दो बी क्रॉस ए का एरो डायग्राम, ये बी ये ए। दोनों एरो डायग्राम आपको समझा देता हूं। ए में एलिमेंट है एक्स और वाई, बी में है वन और टू, बी में है वन और टू, ए में है एक्स और वाई, हमने बना दिया इसे। मैथ कैसे करना है वो सुनो, ए क्रॉस बी को देखो एक्स के साथ वन है एक्स के साथ टू है, अब वाई के साथ वन है और वाई के साथ टू है, एरो जरूर लगाएंगे। ये एरो डायग्राम है किसका, ए क्रॉस बी का, कि x किसके साथ एसोसिएट है वन के साथ, x किसके साथ एसोसिएट है टू के साथ, y एक बार वन के साथ एक बार y टू के साथ। ऐसे अब इस पे आ जाओ, वन x के साथ वन y के साथ, अब टू की बात करें टू x के साथ टू y के साथ। ये एरो डायग्राम a क्रॉस b का है, ये एरो डायग्राम b क्रॉस a का है। अभी तक मैंने केवल आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना सिखाया, डेफिनेशन समझाई है, ऑर्डर्ड पेयर समझाए हैं, एरो डायग्राम बताया है, ये बताया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्विवेलेंट सेट्स तो होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एक्स कोमा वन और वन कोमा एक्स कभी भी बराबर नहीं होता ऑर्डर्ड पेयर के केस में। फिर थोड़ा बहुत आपको एरो डायग्राम वगैरह का बताया, कैसे पेयर लिखने हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में। यहां तक एक बार जिस जिस बच्चे को समझ आया लाइव क्लास में प्लीज रेज योर हैंड ताकि इससे आगे हम क्वेश्चन शुरू कर पाए। ओके देखिए अब हम कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं, वो क्वेश्चन आप ध्यान से समझते चलना जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अब मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं।
देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिगार्डिंग देखो पहला क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू 1,2 देन फाइंड ए क्रॉस ए क्रॉस ए। तीन बार की बात कर दी अब इसने, देखो करना कैसे ही सुनना। ए कोई सेट आपके पास 1,2, अगर आप ए क्रॉस ए फाइंड करना चाहो तो देखो लिखने का तरीका ये रहता है, 1,2 क्रॉस 1,2। अब 1 को किसके साथ एसोसिएट करोगे, पहले 1 1 1 2, फिर 2 को उठाओ 2 1 2 2, ये आपके पास चार ऑर्डर्ड पेयर आ गए, ये आया ए क्रॉस ए। अब हमें क्या करना है, हमें तो ये फाइंड करना है नाउ, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, अगर मैं ए क्रॉस ए की बात करूं तो हमारे पास ये ऑर्डर पेयर 1 1 1 2 2 1 2 2 क्रॉस, अगर मैं ए की बात करूं तो ए हमारे पास है, ए हमारे पास कितना है 1 2, ये ए क्रॉस ए है और ये ए है, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है। अब जब कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखोगे तो ध्यान रखना ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएंगे, अब की बार ऑर्डर्ड ट्रिपलेट आएंगे। अब जो भी इसमें मैं एलिमेंट्स लिखूंगा वो ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, वो एक्चुअल में ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स हैं। कैसे, देखो 1 1 के साथ एक बार 1 आएगा, एक बार 1 1 के साथ 2 आएगा, 1 1 1 फिर 1 1 के साथ 2, पहला एलिमेंट पहला ऑर्डर पेयर क्लियर। दूसरे ऑर्डर पेयर पे आ जाइए, 1 2 के साथ एक बार 1 आएगा और 1 2 के साथ एक बार 2 आएगा। तीसरे ऑर्डर पेयर पे आ जाइए, 2 1 के साथ एक बार 1 आएगा और 2 1 के साथ एक बार 2 आएगा। चौथे ऑर्डर पेयर पे आ जाइए, 2 2 1 और 2 2 2, ये सारे के सारे आपके ट्रिपलेट्स हैं, ये आपको जितने भी नजर आ रहे हैं ये आपके पास ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स हैं, आपको 8 ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स नजर आ रहे होंगे, देख सकते हैं आप, आपको 8 ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स नजर आएंगे, ये जो इस इधर नजर आ रहे हैं ये एक्चुअल में क्या है, 8 ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स, ये 8 ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं, देखिए ये तो ऑर्डर ट्रिपलेट्स के बारे में मैंने आपको बताया, एक अगला क्वेश्चन और डिस्कस करता हूं। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ध्यान रखना, फिर इस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैविंग एन एलिमेंट्स इन कॉमन, कि ए और बी ऐसे दो सेट्स हैं जिनके पास एन एलिमेंट्स आपको कॉमन में नजर आएंगे, ठीक है, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो एन एलिमेंट्स का है। देन अगर ऐसा है तो ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, अगर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की बात करें तो है वो एन स्क्वेयर एलिमेंट्स इन कॉमन, पहले तो इसको प्रूव करेंगे और फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे। एक बार पढ़ लो आप ध्यान से, इसमें ये कहा गया है कि अगर ए और बी के पास एन एलिमेंट्स कॉमन है
तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के पास एन स्क्वेयर कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ए और बी दो सेट में ऐसे लूं कि जिनमें तीन तीन एलिमेंट कॉमन नजर आ रहे हैं, कि ए में जो एलिमेंट और बी में जो एलिमेंट है उसमें से तीन कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो जब आप ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए लिखोगे तो आपको नजर आएगा कि नो एलिमेंट्स नो ऑर्डर्ड पेयर आपको कॉमन नजर आ रहे होंगे, थ्री का स्क्वेयर। तो इस रिजल्ट को आपने याद रखना है। अब इसका प्रूफ अगर आप करने लगो तो देखो कैसे आएगा। ए बी सी डी मैं चार सेट्स लेके चलता हूं, ध्यान से समझते चलना। अभी थोड़ा इसके क्वेश्चन के जस्ट बाद में आपको और भी प्रूफ करवाऊंगा। ए बी सी डी आपको चार नॉन एम्प्टी सेट्स लेके चलने हैं। एक रिजल्ट आता है सेट्स में क्या, कि ए क्रॉस बी का अगर आप इंटरसेक्शन करें सी क्रॉस डी के साथ, तो ये रिजल्ट याद रखना, तो अभी लिख रहा हूं। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन विद सी क्रॉस डी, कैसे आपने दो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रखे और उनका अगर आप इंटरसेक्शन करो तो ये इंटरसेक्शन इसमें चेंज हो जाता है। पहला पहले के साथ इंटरसेक्शन दे देगा क्रॉस प्रोडक्ट, दूसरा दूसरे के साथ इंटरसेक्शन दे देगा। ये ध्यान रखना, ये रिजल्ट आपने याद रखना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक रिजल्ट है। ऐसे बहुत से रिजल्ट्स हैं, मैं अभी लिख दूंगा, प्रूव भी करवा दूंगा एक दो। ये आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक रिजल्ट है क्या, अगर ए बी सी डी आपने चार नॉन एम्प्टी सेट्स लिए और आप ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी का इंटरसेक्शन फाइंड करना चाहते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, पहले सेट का पहले सेट के साथ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन सी, फिर क्रॉस प्रोडक्ट विद बी इंटरसेक्शन डी। ये आपके पास आ गया, ये एक रिजल्ट है, इस रिजल्ट को आप याद रखेंगे। अब इस रिजल्ट में अगर मैं सी को बी से रिप्लेस कर दूं, रिप्लेस सी बाई बी, जहां पे सी नजर आ रहा है वहां पे मैं क्या रख दूं, बी, एंड डी बाई ए, दोनों साइड आपको सी की जगह क्या रखना है, बी, और डी की जगह क्या रखना है, ए। देखिए वी गेट आपको मिलेगा क्या वो देखो, ये रिजल्ट होता है, इसको अभी प्रूफ भी कहोगे तो करवा देंगे, ठीक है। इसमें सी की जगह तो बी रख दो और डी की जगह ए, दोनों साइड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी की जगह बी और डी की जगह ए इज इक्वल टू, ये तो एलएचएस बना, यही तो हमें चाहिए कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स हैं। इधर आ जाओ, ए क्रॉस सी की जगह तो बी रखा इंटरसेक्शन, और इधर इंटरसेक्शन डी की जगह बी की जगह बी रहेगा और डी की जगह क्या आ गया, ए। ये रिजल्ट आता है। अब आप इसको ध्यान से समझो तो एक्चुअल में ए इंटरसेक्शन बी के पास कितने एलिमेंट्स थे, एन, बी इंटरसेक्शन ए के पास भी कितने एलिमेंट्स हैं, एन, एन एलिमेंट्स यहां पे हैं, एन एलिमेंट्स यहां पे हैं। तो एलएचएस में तो इसका मतलब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए हैव कितने एलिमेंट, एन इंटू एन एलिमेंट्स, वो किसके इक्वल हो गया, एन स्क्वेयर एलिमेंट्स के इक्वल। इसका प्रूफ इस रिजल्ट पे डिपेंड करता है कि आपने ये रिजल्ट याद रखना है फिलहाल, कि ए और बी अगर दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और दोनों में एन एलिमेंट्स कॉमन हैं, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में एन स्क्वेयर कॉमन एलिमेंट्स होंगे। प्रूव करने का तरीका क्या हुआ, एक रिजल्ट हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए होता है जो मैंने बोर्ड पे लिखा, क्या ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी अगर मैं लेके चलूं तो हम इसको ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, पहले का पहले के साथ इंटरसेक्शन ले दो, फिर क्रॉस प्रोडक्ट दूसरे का दूसरे के साथ इंटरसेक्शन ले दो। अब इसमें मैंने क्या किया, दोनों साइड सी को बी से रिप्लेस कर दिया, डी को ए से, तो हम यहां पहुंच गए। अब आपको नजर आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी में तो एन एलिमेंट्स हैं, गिवन है क्वेश्चन में, बी इंटरसेक्शन में भी एन एलिमेंट्स हैं, दोनों में एन एलिमेंट्स हैं, तो दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट में एन स्क्वेयर होंगे, तो एलएचएस वाले पार्ट में एन स्क्वेयर एलिमेंट्स आते हैं। अब देखो इसके रिगार्डिंग मैंने ये रिजल्ट अभी क्यों समझाया, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं बोर्ड पे, कि मैंने ये रिजल्ट क्यों समझाया, मैं अभी एक क्वेश्चन लिखता हूं बोर्ड पे, आपने याद रखना है कि उस हिसाब से देखो, एक क्वेश्चन एक एक नंबर में ऐसे पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन ये दिया, इफ ए एंड बी
आर टू सेट्स हैविंग थ्री एलिमेंट्स इन कॉमन तीन एलिमेंट्स कॉमन है। उसके बाद ये बोला गया इफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज पांच कार्डिनल नंबर ऑफ बी चार फाइंड कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी एंड कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। ये दो पार्ट पूछ लिए गए, दोनों ही पार्ट बहुत आसान है अगर आप ध्यान दो तो। देखो अगर आप पहले पार्ट की बात करें तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया ये इसके इक्वल होता है कि ए में जितने एलिमेंट है बी में जितने एलिमेंट है दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो इसमें 20 एलिमेंट आएंगे तो 20 ऑर्डर्ड पेयर आपको ए क्रॉस बी में नजर आएंगे। 5 × 4 20 ऑर्डर्ड पेयर यहां पे ए क्रॉस बी में नजर आएंगे। अगर आप कोई भी एग्जांपल उठाओ उसमें ए में 5 एलिमेंट ले लो बी में 4 एलिमेंट ले लो और आप ए क्रॉस बी लिखना चाहो तो आपको 20 ऑर्डर्ड पेयर नजर आ जाएंगे। सेकंड जो पार्ट है सेकंड पार्ट आप समझना, सेकंड पार्ट में हमें बताया गया है कि तीन एलिमेंट्स कॉमन है। तीन एलिमेंट्स कॉमन होने का मतलब यह है कि ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनल नंबर कितना है तीन। तीन एलिमेंट्स कॉमन है इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनल नंबर कितना है तीन। अगर मैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए फाइंड करना चाहूं वो लिखा हुआ उधर एन का स्क्वेयर मतलब तीन का स्क्वेयर कितने कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे नौ। अगर ए और बी में तीन कॉमन एलिमेंट्स हैं तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में नौ ऑर्डर्ड पेयर आपको सेम नजर आएंगे। टोटल 20 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ए क्रॉस बी में भी 20 आएंगे बी क्रॉस ए में भी 20 आएंगे लेकिन 20 में से 9 ऑर्डर्ड पेयर आपको ऐसे नजर आएंगे बिल्कुल सेम जो ए क्रॉस बी में भी होंगे और बी क्रॉस ए में भी होंगे। तो एक तो ये रिजल्ट आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। एक बार जो बच्चे लाइव क्लास में जुड़े हुए मैं पूछना चाहूंगा यहां तक सब कुछ समझ आ रहा है तो प्लीज रेज योर हैंड जो मैंने अभी समझाया है। ओके आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको एक रिजल्ट समझाने की कोशिश की, ये रिजल्ट आप कार्टेशियन प्रोडक्ट का याद रखना। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं। तो एक तो एक सबसे अच्छा रिजल्ट जो मैंने अभी लिखा था वो यही आता है। देखिए बाकी कोई भी एक रिजल्ट मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं, कोई एक रिजल्ट प्रूव कैसे होता है बस वो आपने समझना है। फॉर एनी थ्री सेट्स थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो समझना। ए बी सी प्रूव दैट आपको ये प्रूव करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन की जगह आएगा यूनियन। ध्यान रखना अगर इधर इंटरसेक्शन है तो उधर यूनियन सॉरी अगर इधर यूनियन है तो उधर यूनियन और अगर इधर इंटरसेक्शन है तो आपको उधर क्या नजर आएगा इंटरसेक्शन। तो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी एज ए सेम यूनियन की जगह इंटरसेक्शन कर दोगे तो उधर भी आपको इंटरसेक्शन नजर आ रहा होगा। मैं एक पार्ट आपको प्रूव करके दिखा देता हूं। आपने पिछले चैप्टर में यह पढ़ा था अगर देखो एलएचएस भी एक सेट है आरएचएस भी एक सेट है अगर दोनों सेट को आप इक्वल प्रूव करना चाहते हो तो एलएचएस आरएचएस का सबसेट प्रूव करना होगा आरएचएस एलएचएस का सबसेट प्रूव करना होगा। अब पिछले चैप्टर में तो आप एक एक एलिमेंट लेके चलते थे कि आपने एलएचएस में एक एलिमेंट ले लिया उसको आरएचएस में प्रूव कर दिया फिर आरएचएस में एक एलिमेंट ले लिया उसको एलएचएस में प्रूव कर दिया। अब की बार एलिमेंट नहीं ऑर्डर्ड पेयर आएगा। ऑर्डर्ड पेयर क्यों आएगा क्योंकि यहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ध्यान रखना कार्टेशियन प्रोडक्ट में कभी भी सिंगल एलिमेंट लाई नहीं करेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का हिस्सा तो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर होगा। तो मैं क्या लेके चलूंगा लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू
एलएचएस में मैंने ले लिया ए क्रॉस बी यूनियन सी, मैंने ऑर्डर्ड पेयर लेना है, ध्यान रखना जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा तो आप उसमें सिंगल एलिमेंट नहीं ऑर्डर्ड पेयर कंसिडर करके चलोगे। अब इस ऑर्डर्ड पेयर पे आपने कंडीशन पढ़ी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट पे कंडीशन होती है कि ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट से आएगा एंड दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आएगा। दूसरा सेट क्या है आपके पास? बी यूनियन सी। पहला एलिमेंट पहले सेट से आएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड y belongs to B और y belongs to C। आप बड़े अच्छे से जानते हो कि belongs के साथ अगर union आता है तो और का केस आएगा, ये आप सारा पढ़ चुके हो सेट्स में। मेरे को तो केवल बस यही कंडीशन एक समझानी थी, यहाँ पे सिंगल एलिमेंट नहीं ऑर्डर्ड पेयर लेके चलो, बाकी सेम चीज वही है जो मैंने आपको सेट्स चैप्टर में समझाई थी, उसी तरीके से आगे प्रूव होगा। बस केवल और केवल इतना याद रखना था कि सिंगल एलिमेंट नहीं यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर कंसिडर करना है। ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट पहले सेट से दिखा दोगे, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से दिखा दोगे, इस तरीके से आप आगे पहुंचोगे। अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका वही सेट्स वाला, एक बार इसको इसके साथ लिखा, x belongs to a and y belongs to b, बार क्या आ जाएगा बीच में और, फिर एक बार इसको इसके साथ, ये सारा काम आप सेट्स में कर चुके हैं, बाकी का सारा काम सेम है, बस इसमें एक एलिमेंट नहीं दो एलिमेंट चलते हैं एक साथ, ऑर्डर्ड पेयर चलता है। अब देखो x a में है y b में है, तो आप ये लिख सकते हो कि x comma y belongs to a cross b, ये बिल्कुल सही बात है कि आपने लिया कि x a का हिस्सा है y b का हिस्सा है, तो इसका मतलब x comma y a cross b का हिस्सा है, बीच में आपको और नजर आ रहा है। सेम ऐसे ही यहां पे x comma y belongs to a cross c। अब सेम ऑर्डर पेयर a cross b में भी है या फिर सेम ऑर्डर पेयर a cross c में भी है और बीच में और है तो यूनियन का सिंबल आता है। अगर आप यूनियन का सिंबल लगाओगे तो वी गेट कि x comma y belongs to a cross b union a cross c। आप इसमें लेके चले थे और इसमें आपने प्रूव कर दिया वही सेम जो सेट चैप्टर में कर रहे थे। इसका मतलब a cross b union c इज ए सबसेट ऑफ a cross b union a cross c। अब मैं आगे करके नहीं दिखा रहा हूं, सिमिलरली आप कर सकते हैं, आप सेट चैप्टर में कर चुके हैं। अब की बार इसमें एक एलिमेंट मान लेंगे ऑर्डर्ड पेयर, अब इसमें ऑर्डर्ड पेयर, अब आप सेकंड में ऑर्डर्ड पेयर लेके चलेंगे बिल्कुल सेम इसका उल्टा चलेगा। अब आप यहां पे आ जाओगे इस स्टेप पे, फिर इससे ये लिखा जाएगा, फिर इससे ये, फिर इससे ये, फिर इससे ये, फिर इससे ये, तो आप उल्टा लिख सकते हैं। पहले भी आपको बताया है कि सिमिलरली आप ये प्रूव कर देंगे कि ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी किसका सबसेट है, ए क्रॉस बी यूनियन सी का। तो आप दोनों को देखो, एलएचएस आरएचएस का सबसेट, आरएचएस LHS का सबसेट, इसका मतलब आप प्रूव कर चुके हो कि LHS की किसके इक्वल आ रहा होगा, RHS के इक्वल। सारा का सारा काम आप सेट्स में कर चुके हो। केवल और केवल मेरा तो मेन मकसद बताने का ये था कि यहाँ पे सिंगल एलिमेंट नहीं ऑर्डर्ड पेयर कंसीडर करके चलना है, यहाँ पे x बिलोंग्स टू लेके नहीं चलोगे, यहाँ पे x कोमा y बिलोंग्स टू लेके चलोगे, ऑर्डर्ड पेयर की बात आती है। एक बार मैं पूछना चाहूंगा यहाँ रुक के कि ये जिस बच्चे को समझ आया प्लीज रेज योर हैंड। क्योंकि अगर सेट्स चैप्टर में पढ़ा है आराम से समझ के तो इसमें भी आप कर जाओगे, बात वही आती है कि अगर सेट्स चैप्टर क्लियर है तो ये आपका क्लियर रहेगा। देखो चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो अब समझ में आने लगेंगी चीजें कि पिछले वाले कितने जरूरी हैं। अगला एक क्वेश्चन में लिखता हूं, मैं आज केवल कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूं। एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, लेट ए इज ए नॉन एम्प्टी सेट, सच दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी। प्रूव दैट बी इज इक्वल टू सी, आपको ये प्रूफ करना है कि बी सी के बराबर होगा। प्रूफ फटाफट इसको और समझो कि ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है और ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी बराबर दे रखे हैं, तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि बी इज इक्वल टू सी, कि बी सी बराबर होंगे। लेट
मैं कोई एलिमेंट कोई ऑर्डर्ड पेयर लेके चलता हूं ए क्रॉस बी में, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ कि ए किसमें ले रखा है ए में और बी किसमें ले रखा है बी में, यही तो मतलब हुआ। अब इसी को मैं आगे बढ़ाता हूं, इट इज गिवन दैट कि ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, ए क्रॉस सी के। अगर मैं इसको यूज करूं तो इसका मतलब ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, भाई ए क्रॉस बी की जगह हटा के आप ए क्रॉस सी लिख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। अगर मैं इस पे डेफिनेशन लगाऊं तो ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू सी। अब आप ध्यान से समझो, आपने बी किसमें लिया था, बी में, और यहां पे आपने बी किसमें प्रूव कर दिया, सी में। अगर मैं इसको और इसको कंबाइंड करके देखूं कि आप बी को बी में लेके चल रहे हो, तो आप बी को कहां प्रूव कर गए, सी में प्रूव कर गए, इसका मतलब बी इज ए सबसेट ऑफ सी, इक्वेशन नंबर वन। सेम इसी तरीके से आप उल्टा कर सकते हैं क्या, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी का एक्चुअल मीनिंग क्या होगा कि आपने एक्स को ले लिया ए में एंड वाई को ले लिया सी में। सेम अगर उसी तरीके से कंसेप्ट लगाऊं कि गिवन दैट कि हमें तो ये बताया गया है कि ए क्रॉस सी किसके इक्वल है, ए क्रॉस बी के, तो अगर मैं ए क्रॉस सी की जगह ए क्रॉस बी लिख दी तो वी गेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। अब इसका एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ, इसका एक्चुअल मीनिंग ये हुआ कि एक्स तो ए में है एंड वाई किसमें है, बी में। अब आप फिर से चेक कर सकते हैं, आपने ऊपर वाई लिया था सी में, आप y को c में लेके चल रहे हैं यहां पे, और प्रूव किसमें कर दिया आपने, y को b में। अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करके लिखूं तो इसका मतलब c इज ए सबसेट ऑफ b, इक्वेशन नंबर टू। अगर मैं दोनों को कंबाइंड करूं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, तो वी गेट b इज इक्वल टू c। बस आपने केवल इतना समझना है, बाकी कंडीशंस वही है जो सेट में आपने पढ़ी थी, केवल इतने ही चेंज है कि जहां पे भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट नजर आए वहां सिंगल एलिमेंट नहीं ऑर्डर्ड पेयर चलते हैं हमेशा, ऑर्डर्ड पेयर को लेके ही आप आगे बढ़ोगे। प्रूव करने का तरीका वही है जो आपने सेट्स में किया था। उम्मीद करता हूं यहां तक का शायद सारा समझ आया होगा, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।